मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन नए नए चौंकाने वाले खोज कर रहे हैं। और नासा का परशुराम सरोवर जब से मंगल ग्रह पर अपना कदम रखा है, तब से और नई नई चौंकाने वाली खोज हो रही हैं। अभी अभी एक और मंगल ग्रह पर दफन एक रहस्य का पर्दाफाश हुआ है, जो कई वर्षों से एक पहेली बना हुआ था, उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है और वैज्ञानिकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हम आपको बताएंगे ऐसा क्या खुलासा हुआ है जो सदियों से रहस्य बना हुआ था, जिसके बारे में वैज्ञानिक रात दिन मेहनत कर रहे थे। और हमारे देश के वैज्ञानिक ही नहीं, विदेश के वैज्ञानिक यानी नासा और चीन और यूई के वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पर्दाफाश कर रहे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। लेकिन अभी अभी नासा के वैज्ञानिकों ने एक नई चौंकाने वाली खोज करके दिखा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनने वाली है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। मंगल ग्रह पर जीवन की खोज तो हो ही रही है, वहां पाई जाने वाली अजीबोगरीब चीजों के रहस्य को भी सामने लाया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगल पर बनी मकड़ियों की आकृति को समझने की ओर वैज्ञानिकों ने एक कदम बढ़ाया है। इन्हें अरेनीफॉर्म्स कहा जाता है और ये मंगल की सतह पर ऊंचाई गहराई से बनते हैं। ये धरती पर कहीं नहीं पाए गए हैं और मंगल पर ये कैसे बने, ये एक पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने अब संभावना जताई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ के बिना पिघले भाप में तब्दील होने के कारण ये बनते हैं। ब्रिटेन और आयरलैंड के वैज्ञानिकों ने ओपन यूनिवर्सिटी मास सिमुलेशन चैम्बर की मदद से मंगल ग्रह जैसे हालात बनाए और फिर देखा कि क्या इस प्रक्रिया से ऐसी आकृति बन सकती है। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ के टुकड़े में छेद किए गए और फिर अलग अलग आकार के दानों पर इन्हें घुमाया गया। इसके बाद चैम्बर में दबाव को मंगल की तरह कम किया गया और ब्लॉक्स को सतह पर रखा गया। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के टुकड़े सब्लिमेट हो गए और जब इन्हें हटाया गया तो पाया गया कि वैसे ही मकड़ी जैसी आकृति गैस के कारण बन गई थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे मंगल पर दिखने वाली आकृति को समझा जा सकता है। इस हाइपोथेसिस को काइफर्स हाइपोथेसिस कहा गया है। बसंत के मौसम में सूरज की रोशनी बर्फ से होकर नीचे की सतह को गर्म करती है, जिससे बर्फ सब्लिमेट होती है। इससे नीचे दबाव बनता है जो दरारों के रास्ते निकलता है। गैस के निकलने के साथ पीछे मकड़ी सी आकृति रह जाती है। अभी तक इस थ्योरी को दशकों से माना जाता रहा है, लेकिन इसका फिजिकल सबूत नहीं पाया गया था। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर से ली गई 8 नई तस्वीरों में नेविगेशन कैमरे की नज़र से 5 मिनट के नज़ारे देखे गए। ये धरती के बादलों की तरह ही चलते हुए दिख रहे हैं। इन्हें उत्तर कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट पॉल ब्राइनर ने शेयर किया है। ये बादल भले ही धरती जैसे बादलों की तरह दिख रहे हों, मंगल का वायुमंडल बहुत पतला है और इसलिए ये अलग तरह से बने होंगे। मंगल का सिर्फ यही मौसम धरती जैसा नहीं है, लेकिन खास है। 2008 में फिनिक्स लैंडर ने सतह पर बर्फ गिरती थी। ये बर्फ दिखने में धरती जैसी है, लेकिन ये असल में कार्बन डाइऑक्साइड से बनी है, जैसे ड्राई आइस। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है, मकड़ी का खुलासा हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये मकड़ी जो वहाँ आकृति दिख रही है, ये उसकी वजह से बनी है। और कोई अपडेट जानकारी होगी तो आप तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।